अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल माशाल्लाह हैदराबाद रेसिपीज में। आज हम बनाएंगे गवार की फली गोश्त। उसके लिए हम लेंगे आधा किलो गवार की फली, आधा किलो गोश्त, आधा किलो आलू, प्याज 3 डाल ली, हरी मिर्ची 5 से 6, छोटी मेथी 2 कट्टे, कोथिमीर 1 कट्टा, तेल 3 टेबलस्पून, मिर्ची 1.5 टीस्पून, अदरक लहसुन 1.5 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। और गर्म होने के लिए रख दी थी, अब कुकर गर्म हो गया। अब इसमें डालेंगे तेल। तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। रुके, प्याज लाल हो गई, अब हम डालेंगे इसमें जीरा। हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन, अब डालेंगे हल्दी, नमक। हम इसे एक गिलास पानी डालेंगे। अब हम इसको गोश्त गलने के लिए ढक्कन लगाएं। देखिए प्याज गल गई, फली आलू हम इसमें मेथी डाल देंगे। मैं सब चीज़ें धो के रख ली थी, ये अपना भी सब रेडी रख लेना। कोथमीर, अब हम इसमें आधी गिलास पानी डालेंगे। हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। अब इसको हिला लेंगे। दो सीटी देंगे। देखें दो सीटी ये आ गए। अब हम इसको खोल देंगे। अब चिल्ला सीटा देंगे। देखिए माशाल्लाह आलू भी गल गया। टेस्ट करना, हर सालन टेस्ट करना। नमक कम है ये सब मालूम होता, कम थोड़ा है, ज़्यादा कम है तो थोड़ा डाल लेना। अब हम इसको दम पे रख देंगे। देखिए हमारा सालन रेडी हो गया। आलू की गोश्त, अब मैं इसको डिशॉर्ट करके बताऊंगी। देखिए माशाल्लाह हमारी गवार की फली गोश्त ये रेसिपी बनके तैयार हो गई। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। दुआ में ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।